स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वॉइस का लेक्चर 6 रखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ वर्ब्स अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो इस तरह के वर्ब्स का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले थोड़ी चर्चा हम कर दें कि वो कौन से वर्ब्स हैं या किस तरह के वर्ब्स हैं जो अपने लिए दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब इसको हमने कहा था कि हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। अ का मतलब होता है न, अर्थात नौ कर्म की क्रियाएं, है ना। तो अ का अर्थ हमने कहा होता है नौ, नौ कर्म की क्रियाएं। तो जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती हैं, इनका हमने बताया था कि हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, नो पैसिव, ठीक है। तो पैसिव हम लोग किसका बनाते हैं, जो वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, अर्थात सकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन उनमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक जितने एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं उन सबों में हमने किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया था और वह वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया था। तो सबसे पहले हम समझ लें कि पैसिव हम लोग बनाते हैं केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का। हिंदी में हम लोग इनको कहते हैं सकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं। तो सकर्मक क्रियाएं, स का मतलब होता है के साथ, अर्थात सकर्मक का मतलब क्या निकल गया, कर्म के साथ वाली क्रियाएं। तो जो कर्म के साथ वाली क्रियाएं हैं वही ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इन्हीं का पैसिव हम बना सकते हैं या बनाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की भी ध्यान रखिएगा खासियत होती है कि इनका दो प्रकार होता है, या हम कहें कि दो भेद होते हैं। ये दोनों भेद क्या हैं, ध्यान रखिएगा। एक इसका प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स दूसरी तरफ क्रियाएं हैं जिनको हम लोग कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो मोनो का मतलब हो गया वन, अर्थात ये एक ऑब्जेक्ट लेने वाली क्रियाएं हैं। तो हम ये कहें कि मोनो ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब यदि मोनो ट्रांजिटिव है तो ये एक ऑब्जेक्ट लेता है और वाक्य के अर्थ को पूरा कर देता है। जैसे हमने कहा कि ही एट अ मैंगो। अब इस वाक्य को हम समझने की कोशिश करें तो ही सब्जेक्ट है, एट यहां वर्ब है और ए मैंगो इसका ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट लेकर यह अर्थ को पूरा कर देता है एट क्रिया। यही कारण है कि हम लोग इस एट को कहेंगे कि यह मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने कहा कि जितने भी उदाहरण हमने अभी तक में लिए हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, उन सबों में हमने मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही प्रयोग किया है। अब हम डाई ट्रांजिटिव की बात कर लें। जैसा कि नाम है डाई, डाई का मतलब होता है ट्यू, अर्थात ये वर्ब्स अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तब जाकर अर्थ को पूरा करते हैं। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की खासियत क्या होगी कि ये वर्ब्स यदि डाई ट्रांजिटिव हैं तो इनको ऑब्जेक्ट नंबर वन प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू, दो ऑब्जेक्ट चाहिए तब जाकर ये अर्थ को पूरा करते हैं। केवल एक ऑब्जेक्ट दे देने से इस तरह के वर्ब्स का अर्थ पूरा नहीं हो पाता है। तो हम समझने की कोशिश करें जैसे हम कहें, ये दो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, इनको समझिए। यदि हम कहें कि शी
गेव मी। अब यहां तक यदि हम वाक्य को छोड़ दें तो स्थिति क्या दिखाई पड़ रही है कि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हमने दे दिया, लेकिन अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। ये वर्ब एक और ऑब्जेक्ट हमसे खोज रहा है और वह ऑब्जेक्ट यहां उपलब्ध नहीं है। शी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया। अब ये जब तक क्या का जवाब हम नहीं देंगे तब तक अर्थ हमारा पूरा होने वाला नहीं है। यदि हम कहें कि शी गेव मी अ पेन, अब जाकर ये कंप्लीट अर्थ ले चुका है। अर्थात हम नोटिस करें तो ये मी क्या है, वो वन है, और जो ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं था वो हमने दे दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर टू है। तो इस तरह से गेव को हम कहेंगे कि इस वाक्य में इसका जो फंक्शन है वो क्या है, डाई ट्रांजिटिव का फंक्शन है। ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है यहां पे। तो गेव का मतलब हो गया देना, अर्थात हैंड ओवर करना। उसी तरह से दूसरा वाक्य हम लें, इसको समझिए। तो ही प्रेजेंटेड, सेकंड सेंटेंस समझिए, ही प्रेजेंटेड, उसने भेंट की। प्रेजेंट का माने होता है उपहार, और प्रेजेंट माने होता है भेंट करना, उपहार स्वरूप प्रदान करना। तो ही प्रेजेंटेड, उसने भेंट की, उसने उपहार स्वरूप प्रदान की, किसको, उसको। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि क्या प्रदान की, उसको उसने क्या भेंट की। तो क्या हम देख रहे हैं कि जैसे यहां O1 O2, उसी तरह से यहां O1 हो गया, O2 हमारा वांटेड है। तो ही प्रेजेंटेड हर, अब इस जगह पे यदि हम कहें ए रिंग, अब जाकर हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। और इस तरह से यह O2 हो गया और वाक्य का अर्थ क्या निकल गया कि उसने उसे एक अंगूठी भेंट की, उसने उसे एक अंगूठी उपहार स्वरूप दी। ये हिंदी हम लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के वाक्यों का पैसिव हमको कैसे बनाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव अंग्रेजी में आपको इस तरह के वाक्य दे दिए जाते हैं और इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि डू एज डायरेक्टेड, अर्थात जैसा निर्देशित है वैसा करें। तो डिस्क्रिप्टिव अंग्रेजी में क्या करता है कि इस वाक्य को दे देगा और कहेगा कि पैसिव बनाइए यूजिंग मी एज द सब्जेक्ट, अर्थात मी को सब्जेक्ट बना के आपको पैसिव बनाना है। कभी दे देगा कि मेक पैसिव यूजिंग अ पेन एज द सब्जेक्ट, अर्थात ए पेन को सब्जेक्ट बनाकर आप पैसिव बनाइए। इसका मतलब हुआ कि इस तरह के वाक्यों का दो तरह से पैसिव पॉसिबल है। मी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ए पेन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, उसी तरह से हर को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, एरिंग को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें सावधानियां क्या बरतनी है या हम कैसे बनाएंगे, अब चलिए इसको हम समझने की कोशिश करें। जैसे हम कहते हैं कि शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दी। अब इस वाक्य को सबसे पहले हम समझेंगे तो ध्यान देना है कि मी को हम सब्जेक्ट बनाना पसंद करते हैं। यदि कोई सुझाव नहीं दिया हो, सीधे कहा जाए कि पैसे बनाइए, तो फर्स्ट चॉइस हमारा होता है कि मी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, अर्थात व्यक्ति को सब्जेक्ट बना लेते हैं और वस्तु को वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में छोड़ देते हैं। यदि हम मी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो अब थोड़ा सा टेंस का ज्ञान आपको हो चुका है। अब यहां गेव क्या है, सिंपल पास्ट है, ये भी टू है, और भी टू का पैसिव हमने बताया है कि वाज प्लस भी थ्री या वर प्लस भी थ्री होता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो वर हो जाएगा। अब हम ध्यान दें तो मी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो इसका पैसिव हमारा क्या होने जा रहा है, इसका पैसिव होने जा रहा है कि आई, और गेव का पैसिव क्या बन जाएगा, वाज गिवन, आई वाज गिवन, मुझे दिया गया। अब सवाल है क्या दिया गया, इस ऑब्जेक्ट को इसी जगह पर हम लोग छोड़ देते हैं, आई वाज गिवन अ पेन, और लास्ट में बाय प्लस एजेंट को हम लोग यहां इस्तेमाल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बाय हर। तो एक्टिव है कि उसने मुझे एक कलम दी, पैसिव क्या हो गया कि मुझे एक कलम उसके द्वारा दी गई, ये इसकी हिंदी बन जाती है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए कि ए पेन को हम सब्जेक्ट बना लेते तब क्या होता, जैसा कि हमने कहा कि डिस्क्रिप्टिव अंग्रेजी में ये सब निर्देश आपको दे दिया जाता है कि सब्जेक्ट आपको मी को बनाना है या सब्जेक्ट
आपको ए पेन को बनाना है। और इसमें यदि दोनों टर्म्स को ऐसे आप लोगों को बहुत कम जानकारी यदि होगी तो फिर ये दोनों टर्म्स आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, अन्यथा इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और केस में यदि नामकरण इसका हम करना चाहें तो ये कहलाता है डेटिव केस, जबकि ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष कर्म है ये, और इसको हम लोग कहते हैं एक्यूसेटिव केस में होना, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म कारक, और इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म कारक, अर्थात दोनों कर्म ही है लेकिन इस पर क्रिया का सीधा असर पड़ता है, इस पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। यदि हम ध्यान दें तो रिप्लेसमेंट पेन का होता है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और मी क्या है, लाभान्वित हो रहा है, तो प्रभावी दोनों हो रहा है लेकिन इस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और केस के ना हिसाब से नामकरण करते हैं तो एक्यूसेटिव केस का ऑब्जेक्ट इसको हम कहते हैं, जबकि इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं और इसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर्म कारक कहते हैं यदि केस के दृष्टिकोण से नामकरण करें तो। तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए पहला सिचुएशन में, अब हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तब क्या सावधानी बरतनी है, ध्यान रखिएगा। फिर हम एक काम तो वही करेंगे कि यदि हम पेन को सब्जेक्ट बनाए या पेन, और फिर गिव का पैसिव हो जाएगा वाज गिवन, और इस मी को फिर यथास्थान हम छोड़ देते हैं, अर्थात ए पेन को लिए तो गिवन के बाद मी को छोड़ दिए, मी को लिए तो गिवन के बाद ए पेन को छोड़ दिए, और बाय प्लस एजेंट को यहां भी लास्ट में ले जाकर हम रख देते हैं और कहते हैं बाय हर। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, हिंदी बनेगी कि एक कलम उसके द्वारा मुझे दी गई, एक कलम उसके द्वारा मुझे दी गई, है ना। तो इस तरह से अब हमने सब्जेक्ट और पेन को बना लिया, ठीक है। तो वो जो ओ टू है वो अब यहां सब्जेक्ट बन चुका है। इसमें एक बात और होती है, ध्यान रखिएगा कि इस जगह पे आप एक काम और कर सकते हैं कि गिव गिवन मी एक प्रयोग हम कर सकते हैं गिवन टू मी, ये भी आप कर सकते हैं। किस तरह से इस वाक्य का तीन पैसिव हम बना सकते हैं, एक पैसिव हो गया आई वॉज गिवन अ पेन बाई हर, दूसरा हो गया अ पेन वॉज गिवन मी बाई हर, तीसरा हो गया अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई हर। लेकिन सवाल है कि टू हमको क्यों लगाना पड़ा, अब चलिए इसको थोड़ा हम समझ लें। ध्यान रखिएगा कि गिव का प्रयोग जो है ये दो तरह से है, एक हमने प्रयोग लिया ओ वन ओ टू, अब ये दो टर्म्स थोड़ा याद रखिएगा तभी अगला पॉइंट समझने में आसानी होगी, ओ वन ओ टू ध्यान देना है। तो इस सिचुएशन में गिव का प्रयोग जो हुआ वो क्या हुआ कि एक सिचुएशन है कि गिव अपने बाद सीधे लेता है ओ वन प्लस ओ टू, इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि गिव समथिंग, सॉरी गिव समबडी और प्लस समथिंग। तो जब समबडी पहले है तो सीधे इसके बाद समथिंग हो जाता है, ओ वन यहां समबडी है ओ टू समथिंग है। लेकिन दूसरा प्रयोग इसका यह भी होता है कि हम कहते हैं कि गिव प्लस ओ टू प्लस ओ वन, तब ध्यान रखिएगा कि यह प्रयोग हमारा कॉमन नहीं रह जाता है। जब हम ओ टू को पहले ले लेते हैं तब आपको यहां कहना पड़ता है टू, प्रीपोजिशन टू हम लगाते हैं और टू के साथ तब यहां हम लोग ओ वन का प्रयोग करते हैं, अर्थात
इसको थोड़ा और हम विस्तृत करके समझा दें तो ये क्या बन गया, गिव समथिंग टू समबडी। तो प्रयोग गिव का ये होता है, गिव समथिंग टू समबडी। अब चलिए ये दोनों एक एक उदाहरण लेकर हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर हो लीजिए कि जब हम एसबी का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि हम समबडी कहना चाहते हैं, और एसटीएच का हम प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब हम समथिंग कहना चाहते हैं। तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कहे कि तो पूरे डिस्कशन का दौर जब आगे तक बढ़ेगा तो ये एसबी एसटीएच एसबी एसडीएच अक्सर हम इस्तेमाल करेंगे और आपको समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि एसबी फॉर समबडी एसटीएच फॉर समथिंग। तो पहला सिचुएशन हमने देख लिया। दूसरा सिचुएशन हमने बताया कि ओ टू का प्रयोग होने पर प्रीपोजिशन टू लगता है तब ओ वन का प्रयोग होता है, अर्थात यदि समथिंग पहले हो तो टू का प्रयोग करके तब हम लोग समबडी का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसको भी हम समझ लें। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, शी गेव मी अ पेन, एक सेंटेंस ये बना। अब इसमें हमने क्या किया, ओ वन प्लस ओ टू कर दिया। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम बना सकते थे कि शी गेव अ पेन, अब ध्यान रखिएगा कहना पड़ेगा टू मी, अब सीधे नहीं कहेंगे शी गेव अ पेन मी, ये नहीं होगा। अब हिंदी क्या बन गई, यहां है कि उसने मुझे एक कलम दी, यहां क्या हिंदी बन गई कि उसने एक कलम मुझे दी। तो इस तरह से यहां गेव क्रिया का ओवन मी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अर्थात समबडी पहले है समथिंग बाद में है, या समथिंग पहले समबडी बाद में है। तो इस तरह से हम नोटिस करें तो ये जो है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो गिव क्रिया का है, और इसको भी हम लोग यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहते हैं क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो है ये प्रीपोजिशन अपने बाद वी लिए हुए है, तो इसको भी यहां हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या होती है कि आमतौर पर कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन इस जगह पे थोड़ी सी बात, यहां अगेन प्रीपोजिशन की हम बात करें तो प्रीपोजिशन अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसको भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको कहना चाहिए था लेकिन हम नहीं कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और क्लियर कर दें कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। ये वर्ब जो है हमारा, ये ध्यान रखना है, ये वर्ब है हमारा डाई ट्रांजिटिव, और जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू आता है तो हमने इस मी को यहां रख दिया है, और मी क्या था, ओ वन था जो वास्तव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो इस टू के बाद जो मी है इसको भी हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, ये ध्यान रखना है। जबकि सामान्य परिस्थिति में यदि डाई ट्रांजिटिव का केस नहीं है तो कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेता है वो उस प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, कोई प्रीपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट ही लेता है। स्थिति यह होती है कि जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब में खास करके जो प्रीपोजिशन यहां हमको टू दिखाई पड़ रहा है, इस टू के बाद मी का प्रयोग है, इस मी को हम लोग अब यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर अगला सेंटेंस हमने लिया था, उसकी भी सेम स्थिति होती है, ध्यान रखिएगा जो हमने गिव की स्थिति बताई वही स्थिति प्रेजेंट की भी होती है। अब उसको भी हम समझने की कोशिश करें। जैसे हमने दिया कि ही प्रेजेंटेड हर ए रिंग, ही प्रेजेंटेड हर ए रिंग, उसने उसे एक अंगूठी भेंट की, उसने उसे एक अंगूठी उपहार स्वरूप दी। अब यहां भी हम ध्यान दें तो ये ओवन है और ये हमारा क्या है, ओ टू है। अब इस ओवन को यदि हम सब्जेक्ट बनाना चाहें तो फिर हम देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट का वाक्य है, यदि पैसिव है तो इसकी स्थिति क्या बनेगी, हर को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो देना पड़ेगा कि शी वॉज प्रेजेंटेड, उसे उपहार स्वरूप दी गई, उसे भेंट की गई, क्या दी गई। अब इसको हम लोग इसी जगह पर रख देंगे और कहेंगे ए रिंग, और यहां कहेंगे कि बाय
हिम, अर्थात उसे उसके द्वारा एक अंगूठी भेंट की गई, उसे उसके द्वारा एक अंगूठी उपहार स्वरूप दी गई। ये हम लोग हिंदी लेते हैं। तो एक सेंटेंस हमारा ये बन गया जब हमने सब्जेक्ट इसको बनाया हर को, जो यहां आकर शी हो गया। अब ये कि ए रिंग को हम सब्जेक्ट बनाते, तब स्थिति क्या होती? तब एक स्थिति हो जाती अ रिंग वॉच, और फिर ये प्रेजेंटेड जो कहते हो रह गया, और फिर यहां हम लोग इस हर को एज इट इज छोड़ देंगे हर, और कहेंगे कि बाय हिम। अब इसकी हिंदी क्या बनी? एक अंगूठी उसके द्वारा उसे भेंट की गई, है ना, एक अंगूठी उसके द्वारा उसे भेंट की गई। तो ये वॉज प्रेजेंटेड हर, यहां हर इस प्रेजेंटेड के बाद जो कहते हुए रह गया, लेकिन फिर जो हमने गिवन टू वाला प्रयोग समझाया था वो यहां भी संभव है। यहां एक सेंटेंस हम क्या बना सकते थे कि अ रिंग वॉच प्रेजेंटेड टू हर बाय हिम। तो एक सेंटेंस आपका ये भी हो सकता है। तो इस तरह से इस वाक्य का तीन पैसिव आप बना सकते हैं। अब यहां भी जो हमने बताया कि जो स्थिति गिव की है वही स्थिति यहां प्रेजेंट की भी है, अर्थात एक प्रयोग हमने बताया कि गिव के साथ ओ वन प्लस ओ टू होता है, उसी तरह से ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के साथ भी वही दोनों परिस्थितियां बनती हैं। अर्थात एक सिचुएशन क्या बनेगा कि प्रेजेंट प्लस ओ वन प्लस ओ टू, अर्थात प्रेजेंट समबडी प्लस समथिंग, जबकि दूसरी स्थिति क्या होती है प्रेजेंट प्लस ओ टू। अब यहां हो जाएगा प्रीपोजिशन टू, तब यहां हो जाएगा ओ वन, अर्थात यहां हमको शब्दों का अरेंजमेंट कैसे दिखाई पड़ेगा, प्रेजेंट समथिंग टू समबडी, ये हमको यहां दिखाई पड़ेगा। अतः जैसे एक सेंटेंस हमने लिया और फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं, क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमने दिया कि ही प्रेजेंटेड हर ए रिंग, अर्थात ओ वन ओ टू। तो दूसरी तरफ हम क्या कह सकते थे कि ही प्रेजेंटेड दूसरी तरफ हम कह सकते थे कि ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर, अर्थात अब यहां क्या हो गया ओ टू प्लस प्रीपोजिशन टू प्लस ओ वन, अर्थात यहां क्या दिखाई पड़ा कि ओ टू हमने कहा कि समथिंग है, ओ वन समबडी है। तो इसका मतलब हो गया कि यहां हमको दिखाई पड़ा कि प्रेजेंटेड समथिंग टू समबडी। तो इस तरह से प्रेजेंट का भी ये दोनों तरह से प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। तो राइट ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, इनको हमने समझने की कोशिश की। अक्सर ध्यान रखिएगा, इसको लोग सीधे चर्चा कर देते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव, लेकिन ये डबल ऑब्जेक्ट क्या है या क्यों होता है, एक्चुअली उसमें भी डबल ऑब्जेक्ट न कहकर हम कह रहे हैं यहां कि टू ऑब्जेक्ट्स ओ वन ओ टू, ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं और ये टू ऑब्जेक्ट्स केवल राइट ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो
यहां तक हम समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट तक मैं डिस्कशन इसका कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम इसको यही छोड़ना पसंद करेंगे, चूंकि अगला पॉइंट हम लेंगे तो फिर बहुत टाइम टेकिंग होगा, समझने में बहुत समय लगेगा। तो अगले क्लास में कुछ और चीजों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट आप बढ़िया से समझते चलिए, जैसे कि हमने कहा कि एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम समझ में आएगा, वाक्यों का अर्थ भी समझ में आएगा। तो आज हम इसी जगह पर डिस्कशन छोड़ेंगे और निश्चित रूप से ये आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अच्छा वीडियो लग रहा हो, फायदा हो रहा हो, तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये तीन काम अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उन्हीं प्रतिक्रियाओं के हिसाब से मैं समझ पाता हूं कि आगे कितना काम हमको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जितना ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाएंगे उतना ही हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अधिक से अधिक बात समझा दें। और जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि हमारे यहां कोई शॉर्टकट का तरीका नहीं है, आप इसको विस्तार से समझ लीजिए, उसके बाद में हम जस्ट 10 मिनट समय, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब 10 मिनट समय हम आपका लेंगे, और उसके बाद में ऐसे यदि हम सब बताते ही चल रहे हैं लेकिन 10 मिनट समय लेंगे, जिसमें खास करके चॉइस वाला जो वाक्य आपका होता है एक्टिव से पैसे बनाने वाला, उस पर 10 मिनट में हम केवल आपको बता देंगे कि ये आप आराम से करते चले जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी वहां जो सब आपको तरीका काम आएगा, अन्यथा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वो सीधे कि सिंपल फ्यूचर का पैसिव विल बी प्लस भी थ्री, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव इज आर एम प्लस भी थ्री, इससे काम हमारा नहीं चलता है। तो थोड़ी सी आप लोग भी सोच बदलिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए आज यही तक, थैंक यू।